कबीर सिंह जी श्रोताओं बता चुके हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका भारत माता की माता की वंदे वंदे। हम प्रतापपुरी जी महाराज बता चुके हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। राजस्थान की मर्दानगी को जिस राजस्थान ने इस देश की संस्कृति के मान बिंदु गाय गंगा गौरी गीता इन सब के रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान किया था, उसी राजस्थान में राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये कहता है कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान के जिस तरह के हालात हैं, राजस्थान को कर्ज में धकेल दिया गया है। हर जन्म लेने वाला बच्चा अपने सिर पर 85,000 रुपए का अनुमानित कर्जा लेकर के आता है। ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार की अग्नि में झोंक रखा है, नीचे के धरातल से लेकर के ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकार के मुखिया सरकार के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि जो मन में लोगों के आक्रोश है, सामान्यतया जब सरकारें बनती है सरकार काम करती है, कुछ लोगों के मन में उसको लेकर के नाराजगी हो सकती है, कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता के मन में एक गुस्सा है। इस गुस्से को इस आक्रोश को एक जन आक्रोश के संकलन के रूप में एकत्रित करके ज्वालामुखी के रूप में फट करके इस कांग्रेस की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने यह यात्रा प्रारंभ की है।